Good morning, class. How are you? I hope you're well at your home. Hope you're studying. So, without wasting any time, let's move to our class. So, children, आज से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. That is synthetic fibers and plastics. Okay? So, let's move to our chapter. क्या कह रहे हैं वो? अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. कोई भी एक मटेरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल क्ले ले लो, है ना, तो उस क्ले से ही तो सब्सटेंस बनेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल वूल ले लो, तो वूल से क्या बनेंगे, स्वेटर्स बनेंगे. तो अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. वी यूज लॉट्स ऑफ मटेरियल्स एवरी डे, है ना, हर दिन हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं. दे माइट बी हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सीबल, वाटर प्रूफ और एब्सॉर्बेंट. ओके, या तो वो हार्ड हो सकते हैं, मतलब कड़क हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, फ्लेक्सीबल मतलब लचीले हो सकते हैं, वाटर प्रूफ मतलब पानी का उन पर कोई भी असर नहीं हो सकता, या फिर एब्सॉर्बेंट मतलब किसी भी चीज को सोख लें, या ऐसे. अ पर्सन मेकिंग केयरफुली सिलेक्ट्स मटेरियल्स फॉर इट बाय पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच मटेरियल. अब आप कहो कि स्वेटर्स क्ले के बना लो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना, स्वेटर्स तो वूल के ही बनेंगे. तो जो भी पर्सन कोई भी मटेरियल अगर बनाता है तो बहुत प्रॉपरली अपने मटेरियल्स को देख करके वो मटेरियल्स को चूज करते हैं. टुडे वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग सच एज पैंट, शर्ट, कोट एक्सेट्रा. वेयर डू द ड्रॉ मटेरियल्स फॉर दीज क्लोथ्स कम फ्रॉम. हम आज डिफरेंट टाइप्स की चीजें पहनते हैं, है ना, पैंट्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, साड़ीज पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, तो कहाँ से ये सारे क्लोथ्स बनते हैं, कैसे, कौन सा मटेरियल किसके लिए यूजफुल होता है. आर सम ऑफ आवर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट सिंथेटिक, हाउ आर दे मेड. यस, हमारे आधे से ज्यादा जो क्लोथ्स होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, है ना, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल होते हैं. तो जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर इनसे बने होते हैं, तो ये कहाँ से बनते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें, कैसे बनते हैं ये. Clothes of the distance part were made from organic living materials. ठीक है, almost all synthetic fabrics and materials used today are made from petroleum and natural gas. Oh, तो ये बात है. तो ये जो हमारे जितने भी synthetic materials हैं, synthetic fibers हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब किससे बनते हैं, ये सब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन दोनों की हेल्प से हमें मिलते हैं. अंडरस्टूड. यू कैन फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेबल स्वेन इनटू योर क्लोथ्स. अब देखो, कोई भी क्लोथ बना होता है तो उसके लेबल पे आप देखना, कभी गौर करना. कोई क्लोथ, अब दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे ना, तो उसका लेबल देखना कि जो पीछे एक टैग लगा होता है उस पे क्या लिखा होता है, है ना. ऑल क्लोथ्स दैट कम फ्रॉम अ स्टोर मस्ट हैव अ लेबल टू टेल यू. ओके, व्हाट मटेरियल्स वर यूज टू मेक क्लोथ्स. वी हैव लर्नड अबाउट जूट एंड कॉटन इन क्लास 6, है ना, हमने जूट और कॉटन के बारे में 6 क्लास में पढ़ा है. दे आर नोन एज प्लांट फाइबर्स. वो कौन से फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं, क्योंकि वो किससे ऑब्टेंड होते हैं, प्लांट्स से. इन क्लास 7 वी हैव लर्नड अबाउट वूल एंड सिल्क. 7 क्लास में हमने वूल और सिल्क के बारे में पढ़ा है कि वूल और सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर्स है, है ना, ये देखो एनिमल फाइबर्स. कलेक्टिवली वी कैन से दैट कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स. हमें पता है कि कॉटन, वूल, सिल्क ये सब क्या है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं. ऑल नेचुरल फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स विच आर फर्दर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, है ना. सारे नेचुरल फाइबर्स हम यूज करते हैं किसके लिए, क्लोथिंग के लिए. नेक्स्ट टू फूड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बींग इज क्लोथिंग. हमेशा से हम सुनते आए क्या,
रोटी, कपड़ा और मकान। तो खाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्लोथिंग, है ना? इट इज नॉट ओनली दैट क्लोथ्स आर अ पार्ट ऑफ अवर मोरल कोड एंड डिसेंसी, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। ऐसा नहीं है कि हम भाई हमारी प्रेस्टीज दिखाने के लिए हम अब अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं, या हमारे डिसेंसी दिखाने के लिए कि हम कपड़े पहनने के बाद सुंदर लगेंगे, ये वो फलाना ढिकाना, ऐसी बात नहीं है। क्लोथ्स हमें एक्चुअली में टेम्परेचर, क्लाइमेट, इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, क्लाइमेट चेंज, है ना? फर्दर मोर दीज फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स, बेडशीट, सोफा कवर, फिशिंग नीड्स, कारपेट, सेल्स फॉर बोर्ड्स एंड वेराइटी ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। सिवाय क्लोथ्स के अलावा ये और चीजों में भी काम आते हैं, जैसे कि जूट की रस्सियां बनती हैं, बेडशीट्स, सोफा कवर, फिशिंग नेट्स, कारपेट, सेल्स फॉर बोट, है ना? ये सारी चीजों में भी हमें जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। हाउएवर द डिमांड फॉर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इज सो लार्ज दैट नेचुरल फाइबर्स आर इनसफिशियंट टू फुलफिल इट, है ना? करोड़ों की आबादी है हमारी, है ना? तो ऐसे में जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नेचर तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमें चीजें देगा। मान लो कि कॉटन है, कॉटन प्रॉपरली कॉटन हमें हो गया कि हाँ भाई हमें इतना हो गया कि हम 50% जनता को हम कॉटन के क्लोथ्स बना करके दे सकते हैं, लेकिन 50% जनता के लिए फिर कहाँ से लाएंगे? हम नहीं लाएंगे ना। तो नेचुरल फाइबर्स तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही उगेंगे और हमें मिलेंगे। सो इसीलिए नेचुरल फाइबर्स सारी डिमांड पूरी करने के लिए इनसफिशियंट है। ओके, टू मीट दिस डिमांड साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल एज रॉ मटेरियल्स। दीज आर्टिफिशियल फाइबर्स आर कॉमनली कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। तो इस डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि पेट्रोलियम और कोल के साथ मिलकर के सिंथेटिक फाइबर्स बनाना लैब में चालू कर दिया। और वो सिंथेटिक फाइबर्स क्योंकि साइंटिस्ट ने बनाए हैं, मैन ने बनाए हैं, इसीलिए उन्हें मैन मेड फाइबर्स या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स कहा जाता है। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, जस्ट गो थ्रू इट, रीडिंग करना, फिर मैं कल आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।